नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूटेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटेक इजी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है, जैसे मनीष कुमार हुआ, आरटेक, आरडब्ल्यूआरजी है, ये बहुत सारे जो है कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं बार बार में कि विंडो को जो है कैसे हम बूट करें पेन ड्राइव या डीवीडी में। एक्चुअली दोस्तों, उनके साथ होता क्या है, वो मार्केट से एक डीवीडी खरीद के लाते हैं और वो डीवीडी को उनके डर रहता है कि ये खराब हो जाएगी, या फिर जो डीवीडी से जब हम विंडो डालते हैं तो वो काफी धीरे डलता है, काफी तो नहीं मतलब थोड़ा बहुत अंतर आता है, धीरे डलता है, या फिर उनको डर होता है कि यार सीडी तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगी। तो उस विंडो को क्या करते हैं कि कॉपी करके डायरेक्ट पेन ड्राइव में डालते हैं और उनका विंडो जो है बूट नहीं हो पाता है और वो रिकवरी मोड में जाकर जो है फेल बताने लग जाता है, मतलब डलता नहीं है आपके पीसी के अंदर। तो उसके लिए आपको विंडो को बूट करना होगा, बूटिंग सिस्टम आपको समझना होगा। तो सिंपल ही हम आज विंडो को बूट करना इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल न्यूटेक इजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही पास में एक छोटा सा नाना सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन उसको दबाना ना भूले, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आने सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअली हमारे साथ होता क्या है, हमने कोई सीडी ले ली और सीडी के साथ उसमें जो है विंडो आता है मार्केट से। अब यार उस विंडो को जो है हमें पेन ड्राइव में चाहिए होता है वो विंडो, तो अब हम पेन ड्राइव में किस तरह से बूट करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी सीडी जल्द खराब हो जाती है, तो हमें पेन ड्राइव में जो है सेफ रख सकते हैं उस विंडो को, बार बार परचेज करने के पैसे, परचेज करके पैसे कौन खर्च करेगा। तो उसी के लिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दो सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करने होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, एक तो इमेज बर्न हुआ, एक विंडो बुटिक हुआ। तो इमेज बर्न के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों सॉफ्टवेयर की लिंक हो जाएगी, मिल जाएगी, उनको डाउनलोड कर लीजिए, फिर और सारे गूगल पर आपको मिल जाएंगे, इमेज बर्न से सर्च कीजिएगा, बहुत सारी मिल जाएगी, जैसे आईएसओ बर्नर हुआ, इमेज बर्न हुआ, विंडो। तो और विंडोज को जो है बूट करने के लिए दूसरा चाहिए विंडोज 7 बूटिंग बूटेबल डिवाइस, ये भी होता है मार्केट में जो है काफी फेमस है विंडोज 7। कई कई बार पर ये वर्क नहीं करता है क्योंकि इमेज फाइल परफेक्ट ही लेता है। तो विंडोज 7 बूटेबल ले लीजिए, विंडोज बूटिक ले लीजिए, विंडोज बूटेबल ड्राइव ले लीजिए, इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको अपनी सीडी से जो है विंडोज की फाइल जो है कॉपी करनी होगी। यदि आप अपनी सीडी से विंडोज की फाइल कॉपी नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ फ्री चाहते हैं, तो आपको सिंपल ही जो क्या करना है, विंडोज 10 को ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर लेना है, windows10.com, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाने के बाद में वहां से आपको विंडोज 10 सिलेक्ट करना है, विंडोज 10 को सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 4 GB के समथिंग का, 4.5 GB की फाइल आपको मिलेगी। तो मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा है, या फिर किसी से सीडी लाकर उसे कॉपी कर लीजिए। क्या करते होता है कि दूसरे सीडी लीजिए, आप उसकी कॉपी कर लीजिए और आप अपने हमेशा के लिए आप अपने पास उस विंडो को रख सकते हैं। सिंपली अब कुछ नहीं करना आपको, मैं लेकर चलता हूँ। सिंपली आपको जो है अपना जो इमेज बर्न ओपन कर लेना है। सबसे पहले हमें उन फोल्डर्स को इमेज फाइल में बनाना होगा, इमेज फाइल में कन्वर्ट करना होगा। अब इमेज फाइल क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, विंडो बूट करने के लिए यदि आप यूएसबी में बूट करते हो तो विंडो जो यूएसबी बूटर है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि इमेज फाइल यानी आईएसओ फाइल ही लेते हैं। तो उन्हीं आईएसओ फाइल को बनाना हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस तरह का देखिए विंडो आपके सामने जो है ड्रॉप डाउन बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद में कुछ नहीं करना, देखिए पहला है यदि आप डायरेक्ट कॉपी किए बना सीडी से डायरेक्ट इमेज फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना लीजिए। उसके बाद में आपको सिंपली अभी कुछ नहीं करना, अभी यहाँ से आपको करना है क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल्स एंड फोल्डर्स, मतलब फाइल एंड फोल्डर्स से आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है, ऊपर फाइल्स वाले पर सिलेक्ट ना करें, फोल्डर सिलेक्ट करना है। ब्राउज फोल्डर पर क्लिक करने के बाद में आपको जहाँ पर जो देखें मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ पर मेरा फोल्डर है रिमूवल डिस्क, और यहाँ से मैंने रिमूवल डिस्क जो है पहले से नाम आता है, आप सभी भी जानते होंगे, तो मैंने डायरेक्ट कॉपी कर ली। तो आप सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है इमेज बर्न, यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करोगे तो ये कुछ परमिशंस मांगेगा, देखिए किस तरह से मांगता है, देखिए आप, और इस तरह से देखिए ये पहले फोल्डर मांगेगा कहाँ पर आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली डेस्कटॉप पर इसे सेव कर देता हूँ, उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देते हैं, और सेव पर क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरह से पहली परमिशन हो गई, दूसरी परमिशन हो गई, और इस तरह से एक दो परमिशन और मांगेगा, ओके कर दीजिए। उसके बाद में तीसरी परमिशन और मांगेगा आपको, तो सॉरी ये अब हो रहा है बूटेबल आसानी से जो है सिंपली हो रहा है, और इसको होने से कम 2 या 3 मिनट का समय आपको लग सकता है, देखिए काफ़ी स्पीड से हो रहा है। तब तक के लिए हम करते हैं कि मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि मैंने पहले से इमेज फाइल बनाकर रखी है। तो वो इमेज फाइल किस तरह की मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर आप मेरे पीसी के ऊपर देख रहे हैं कि इमेज फाइल इस तरह की आपको प्राप्त होगी, इस तरह की बनी होगी होगी मैंने पहले से बनाकर रखी है। तो मैंने विंडोज 8.1 की बनाकर रखी है, ये विंडोज 10 की है, तो ये जो है इमेज फाइल बन रही है तो 100% तक होते ही बन जाएगी। लेकिन वीडियो को लंबा न खींचते हुए आप इस तरह सिंपली बना लीजिएगा, देखिए बन चुकी है पहले, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, मैं इसको सिंपली जो है मिनिमाइज करता हूँ, एक दो बार जो है बफर चलेंगे
उसके बाद में जो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और डायरेक्ट आपको बता देता हूँ क्या कि कैसे बूट करते हैं। उसके लिए आपको इस जो वाले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो विंडोज 7 को कर लीजिए, बहुत सारे और अदर सॉफ्टवेयर है उनका यूज कर लीजिए सिंपली। तो सिंपली विंडोज बूटिक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर रन कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये क्या होता है कि इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए पहले, मैं डायरेक्ट इसको जो है ओपन कर लेता हूँ सिंपली। और ये इस तरह से थोड़ा सा टाइम ले सकता है, मतलब 30 से 45 सेकंड का टाइम कहीं भी कभी कभार ले लेता है, आपके जो है विंडो की या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है ये। तो सिंपली देखिए ये ओपन हो रहा है, अभी थोड़ा सा जो है टाइम लेगा, ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा जैसे ही ये ओपन होगा, देखिए आ चुका है। उसके बाद में ये यहाँ पर तो जो आपकी पेन ड्राइव लगी हुई है, देखिए सिंपली मेरे पास अभी जो है कोई पेन ड्राइव नहीं लगी हुई है, इस तरह से बता रहा है। ये वाला जो यूएसबी आप देख रहे हैं, मैं यूएसबी लगा रहा हूँ, पेन ड्राइव नहीं है, ये यूएसबी है, मेमोरी में आपको बूट करके बता देता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ इसको इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, इस तरह से देखिए मैंने ये ऐड कर दिया। उसके बाद में क्या होता है कि देखिए बता देता है यहाँ पर, इसको सिंपली आपको फॉर्मेट करना होता है, फॉर्मेट ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर वो इमेज फाइल जो अभी मैंने बनाई थी ड्रॉप श्योर क्लिक, यहाँ पर जो है आपको सिंपली वो क्या करना है कि उस इमेज फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर ड्रॉप इमेज फाइल ले लीजिए, तो जो है डेस्कटॉप पर जो बनी थी वो वाली ले लीजिए, या फिर दूसरी इमेज फाइल जो है बनी हुई है वो ले लीजिए। चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ वो इमेज फाइल कितनी बन चुकी है, 75% तक बन चुकी है। तो मैं अभी इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ और जो है जो मेरी पहले से मैंने इमेज फाइल बनाई हुई है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। देखिए ये कोई भ्रम नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि यार इसी से नहीं बता रहा, इससे सिर्फ टाइम नहीं लगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो इससे भी बूट हो जाएगा, कोई स्पेशल नहीं है उस इमेज फाइल में। इमेज फाइल आपको सिंपली क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले मैं इसको तो कट कर देता हूँ और इसको जो है कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको तो मैं कट कर देता हूँ सिंपली। उसके बाद में क्या करता है, देखिए ये विंडोज 8.1 की इमेज फाइल बनाई हुई है, देखिए सेम इमेज फाइल से, वहाँ पर सेम इमेज फाइल से इस तरह की इमेज फाइल जो है आईएसओ फाइल में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में लिखा हुआ है डू इट, यहाँ पर डू इट पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर क्विक फॉर्मेट पर क्लिक कर दीजिए। आप क्विक फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद डू इट पर क्लिक कर दीजिए, इसके बाद में आर यू श्योर, मतलब आप निश्चित हैं, तो यहाँ पर निश्चिंत के लिए क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये कह रहा है कि आपकी मेमोरी कार्ड फॉर्मेट होगी, तो बिल्कुल फॉर्मेट तो आपको बिल्कुल करनी होगी। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों आप इसमें अब ये नहीं कि यार आपका 8 GB का पेन ड्राइव है तो आपने विंडो बूट कर दिया उसके बाद में आप उसमें और कुछ भी कॉपी करनी है, यार थोड़ी सी जगह है थोड़ा सा और उसमें डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं आपको करना होता है, सिंपली यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में देखिए क्या हो रहा है कि पहला ड्राइव फॉर्मेटेड हो चुका है, बूटेबल फिनिश्ड हो चुका है, और अब ये जो है लास्ट वाली प्रोसेस चलेगी 100 तक, तो आपको 100 तक इसका इंतजार करना है। तब तक के लिए मैं करता हूँ वीडियो को पॉज। चलिए पहले 1-2% स्टार्ट करना देख लेते हैं कि किस तरह से स्टार्ट होती है, वरना आप कहोगे कि यार फेकोलॉजी है। चलिए पहले से हम क्या करते हैं इसको पहले पॉज नहीं करते हैं, पहले क्या देख लेते हैं 1-2% कब तक स्टार्ट होती है। प्रिपेयरिंग हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है ये। तो सिंपली जो है क्रिएटिंग फोल्डर्स बता रहे हैं, अब ये फोल्डर क्रिएट करेंगे, बूटेबल फोल्डर्स जो होते हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। अब राइटिंग फाइल्स है, अब फाइल्स को जो है 1 by 1 करके बूटिंग डिवाइस में जो है राइट करता चलेगा, धीरे 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 जो है आपको सारी फाइल्स को राइट कर देगा। 1% स्टार्ट हो चुका है अब, तो जब तक के लिए 100% होता है हम इस वीडियो को जो कर देते हैं पॉज और मिलते हैं इसके आगे सिंपली। तो देखिए ये इस तरह से जो है कि कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर देखिए राइट क्लिक आ चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। और ये वाली जो जो थैंक्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, और ये वाली जो यहाँ पर मेरी डिस्क जो ड्राइव दिख रही है, ये वाली वो ड्राइव है जिसमें मैंने विंडो बूट किया है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो थैंक्स लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो है फिनिश हो चुकी है, उसके बाद में देखिए पहले वाला जो स्टार्टिंग इंटरफेस था वो फिर से आ रहा है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्रॉस वाला जो स्टार्टिंग जो चिन्ह आ रहा है उसको क्रॉस कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए। उसके बाद में एक बार के लिए आप इसे पेन ड्राइव को निकालना है, सबसे पहले ओपन करके आपको नहीं देखना है, इसको निकालना है इस तरह से, और देखिए मैंने निकाल लिया है वो वाला जो मैंने आपको दिखाया था, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद में क्या करते हैं हम इसको वापस जो है इसमें ऐड करते हैं, और जैसे ही मैं ऐड करता हूं तो आप देखोगे ये देखिए जो है विंडो बूटेबल ड्राइवर के रूप में बता रहा है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कैसेट जैसे जो पेन ड्राइव लेकर आते हैं जिसमें विंडो होता है उसमें इसी तरह का जो है निशान होता है, चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ चुका है, ये वाला जो चिन्ह है वो आ चुका है, इससे पता चलता है कि इसमें पेन ड्राइव में विंडो बूट हो चुका है। अब आप इससे विंडो डाल सकते हैं अपने जो है कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम में, या फिर विंडो 10 जो है विंडो 8.1 है सॉरी, ये तो इस तरह से डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।